चुप रहेंगे, बोलेंगे जाते। तेजस्वी यादव के आवास पर मिलने गए फरियादियों से सचिवालय पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है, और जब फरियादी कहते हैं कि उन्हें तेजस्वी यादव से मिलना है तो पुलिस द्वारा चुप रहने की हिदायत दी जाती है। जरा आप भी देखिए पुलिस का ये रवैया। चुप रहेंगे, चुप क्यों रहेंगे? हाँ, शांति रहेंगे। नहीं, अब बहुत ज्यादा मत बोलिए। हमारे यहाँ मीटिंग है, जो है वो यहाँ रहेंगे, ठीक है? बाकी लोग आएंगे, सर आप देखिए, आप जो अभी बोल रहे हैं इस ढंग से नहीं बोल रहे थे। तो कहाँ हम बोले? सुनिए पहले, आप पहले जवाबदारी का चुप रहो। सुनिए, सबको झूठे मत बताइए, सबको झूठे मत बताइए। राबड़ी आवास पर भी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों और सचिवालय पुलिस के बीच हाथापाई की नौबत आ जाती है। अब इसी मामले को लेकर राजद नेता भोला यादव की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भोला यादव ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार जो गलत नीति अपना रही है वो बिल्कुल गलत है। हम सरकार की इस गलत नीति की निंदा करते हैं। विशेष क्या कुछ कह रहे हैं भोला यादव, आप खुद सुनिए। कल का जो घटना है, जिस तरह से रोकने का कार्रवाई इन लोगों ने किया है, तो निश्चित रूप से गलत है। चूंकि जब नेता प्रतिपक्ष हैं तो इनके बाद इनसे मिलने के लिए बिहार के जितने भी पीड़ित लोग हैं, फरियादी हैं, वो आएंगे। और सरकार के जो गलत नीति है, गलत कार्यक्रम है, गलत काम है, उसके बारे में इनको बताने के लिए आएंगे। इसके लिए यदि कोई पुलिसकर्मी इनसे मिलने के लिए रोकता है तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और हम समझते हैं यहाँ के पुलिस महानिदेशक को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे पुलिसकर्मी पर अविलंब कार्रवाई। मैं वही कहना चाहता हूँ, यदि इस तरह का मिलने जुलने वालों से रोकने का काम करती है पुलिस, तो उस पर DGP को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करनी चाहिए।